मुझे नहीं पता ये मेरी लक है या हमारे होने वाले बच्चे की, मैं इतनी खुशियों का हकदार हूं। थैंक यू सो मच मुझे दो दो खुशियां देने के लिए। कल की तारीख मेरे लिए बहुत लकी रही है। यू वन द इलेक्शन एंड डिड आई विन योर हार्ट? तुमने पूरी कौम का दिल जीत लिया। हाँ लेकिन मैं आपके दिल की बात कर रही हूँ, मुझे ना आपके दिल में सबसे ऊंचे मुकाम पर बैठना है, सबसे ताकतवर जगह पर। ये आवाम, ये लोग सब आपके दम से हैं। जिंदगी का हिस्सा बन गई हो, मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो, मेरे इलाके की MPA बन गई हो, मेरे घर में मेरे खानदान के साथ रहती हो, मेरे साथ रहती हो, इससे ऊंचा मुकाम तुम्हें क्या चाहिए मैडम? शहरोज मुझे तो ना ये सब एक ख्वाब जैसा लग रहा है और थोड़ा डर भी लग रहा है कि इतना सब कुछ भी मिल सकता है, जिंदगी इतनी मुकम्मल हो सकती है, आप जो चाहें आपको मिल जाए, आपका टूटा हुआ दिल जुड़ जाए, आपका आपकी खोई हुई मोहब्बत आपको मिल जाए, आपका पटा हुआ मकाम सिर्फ आपका हो जाए। क्या हुआ शहरोज? कुछ नहीं। चुप क्यों हो गए? कितना अजीब दस्तूर है ना, किसी की हार आपकी जीत बन जाती है, किसी की दिल की वीरानी आपके दिल की खुशी बनती है। मैंने आपको इतनी खुशियां दी हैं, फिर भी आपका दिल आबाद नहीं हुआ। तुम्हें पता है मैंने कहीं पढ़ा है, इट इज व्हेन वी हर्ट दैट वी लर्न। कैम का पैसों के लिए मुझे बेच देना मेरी जिंदगी का दर्द है, और मेरा किसी जख्मी परिंदे की तरह तुम्हारी गोद में आके गिरना और तुम्हारा फरिश्ता बन जाना तुम्हारी जिंदगी की खुशी। ये दोनों मुख्तलिफ चीजें हमारे नसीब ने हमें बराबर तकसीम की हैं। हाँ लेकिन अब तो उससे नफरत हो जानी चाहिए ना। तानिया, नफरत नफरत sucks all the energy out of you। जिस तरह मोहब्बत से हमें खुशी मिलती है उसी तरह नफरत से हमें दर्द मिलता है। एनीवे दानिया, इन फजूल बातों के बारे में तुम मत सोचो। कम ऑन गेट रेडी, बहुत चीजें करनी है। प्लीज मॉम से मिलना है, उसके बाद जाके हमने पार्टी मेंबर से मिलना है, उसके बाद हमें चेयरमैन साहब से मिलना है, बहुत से लोगों ने कॉल्स किए हैं उनका जवाब देना है। देयर इज सो मच टू डू। और वो क्या खूब कहा है फैज ने, तुम्हारे फैज ने, और भी दुख है इस जमाने में दर्द के सिवा, और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, मोहब्बत के सिवा।